अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टॉपिक को, जो कि पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक एमडी केट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस लेक्चर 2 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी और आज लेक्चर 2 की कंटिन्यूशन है। तो आज की इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द सेल वॉल is secreted by cell wall कौन secrete करता है? A protoplasm, B endoplasmic reticulum, C Golgi complex, D nucleus। तो cell wall जो है, cell wall is secreted by, तो याद रखिएगा cell wall जो secrete करता है वो कौन secrete करता है? Golgi complex। Golgi apparatus जो होता है वो cell wall को क्या करता है? secrete करता है। तो इसका correct answer हमारे पास जो है वो C है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज ट्रू वॉल, इनमें से कौन सी वॉल जो है उसे ट्रू वॉल का नाम दिया जाता है? मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और डी ऑल ऑफ दीज। याद रखिएगा ये तीनों लेयर जो है वो सेल वॉल की लेयर है और इसमें पूछा जाता है कि इनमें से किसको ट्रू वॉल का नाम दिया जाता है। तो याद रखिएगा ट्रू वॉल जो है वो प्राइमरी वॉल है और ये प्राइमरी वॉल जो है फिर बाद में जाकर सेकेंडरी वॉल सीक्रेट करती है, तो इसे ट्रू वॉल का नाम दिया जाता है, जो कि यंग प्लांट में भी पाई जाती है और ओल्ड प्लांट में भी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, एक बार थोड़ा सा हम कैमरा फोकस करने की कोशिश करेंगे। चले, द इंटायर सेल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज ऑफन रिगार्डेड एज अ स्यू अगेन नेक में, ये जो है ना हमारे उसमें जो है वो सिंटेक्स में नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। फंगल सेल वॉल कंटेन, फंगल सेल वॉल में हमारे पास क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, बी काइटिन, क्यूटीन, प्रोटीन। तो फंगल सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है? फंगल सेल वॉल के अंदर काइटिन मौजूद है। द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इज, ग्राउंड सब्सटेंस अभी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, साइटोसोल कहते हैं, ये हमारे उसमें शामिल नहीं है एमबीबीएस की बुक में, हालांकि इसका जिक्र है। द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म टेक प्लेस थ्रू, एक्टिव मास मूवमेंट जो साइटोप्लाज्म के अंदर उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग, ग्लाइडिंग, अमीबॉइड, डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है जिसे साइक्लोसिस का भी नाम देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो स्ट्रीमिंग है। द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, पेरोक्सीसोम। तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, दिस इज नॉट अराइस्टी, ये क्रिस्टी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके ये ऑप्शन सही है। साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये एरोबिक रिस्पायरेशन की साइट है और फैटी एसिड को मेटाबॉलाइज करता है, बिल्कुल सही है। सी एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड से ये एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट करके बताता है, बिल्कुल सही है। डी कंटेन एंजाइम फॉर ग्लाइकोलाइसिस, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, जबकि अभी हमने बात की थी कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इस एमसीक्यू का हमें पूछा ना Not a characteristic, तो लिहाजा इसका आंसर जो हमारे पास क्या है? D is a correct answer, contain enzyme for glycolysis, इसमें Krebs cycle के enzyme होते हैं, glycolysis के enzyme नहीं होते। Next हमारे पास है, a network of membranous channel extending throughout द साइटोप्लाज्म इज, मेम्ब्रेनस चैनल जो होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ए क्रोमेटिन नेटवर्क, बी थायलाकॉइड, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी क्रोमेटिन। तो याद रखिएगा नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैला जाता है उसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो है वो सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, Which one of the following is not a function of smooth endoplasmic reticulum? इनमें से कौन सा function जो है वो smooth endoplasmic reticulum का नहीं है? Option A में कहा जा रहा है metabolism of drug and toxin in liver, बिल्कुल metabolism of drug और toxin की metabolism में काम आता है। B synthesis of protein, याद रखिएगा protein की synthesis rough endoplasmic reticulum का काम है, smooth endoplasmic reticulum का काम नहीं है, आंसर तो हमें मिल चुका है। C में कहा जा रहा है conduction of impulses in muscles के अंदर जो है वो impulse conduct करने का काम करता है। D synthesis of steroid, तो ये तमाम
काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम है, और वो कौन सा काम नहीं है, तो वो आंसर था हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं, लेट्स सी। ओके, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा फंक्शन नहीं है, अभी एमसीक्यू रिपीट हुआ है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इसका काम नहीं है। आगे कहा जा रहा है, ये साइंसदान का नाम हमारे बुक में नहीं है तो फिलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे, न्यू राइबोसोम आर असेंबल्ड इन, नए राइबोसोम कहाँ असेंबल होते हैं, ए न्यूक्लियस में, बी न्यूक्लियोलस में, सी क्रोमोसोम में, या डी जीन में। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर, न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, नए राइबोसोम बनाता है। नेक्स्ट, द आरएनए फाउंड इन राइबोसोम इज, आरएनए जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है वो कौन सा आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, या डी पॉलीसोम। तो आरएनए के अंदर जो पाए जाने वाला, राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाला जो आरएनए होता है वो राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू द सेम मैसेंजर आरएनए स्ट्रेच। भाई ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो होता है ना उसे क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ राइबोसोम को हम कहते हैं पॉलीसोम। तो यहाँ ये कह रहा है ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू द सेम मैसेंजर आरएनए स्ट्रेच, तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम जो है उसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए है। नेक्स्ट, सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल इज कॉल्ड। सिस्टर्नी जो है, ये अल्फाज आपने कहाँ सुना पूरे लेक्चर में रिकॉल कीजिएगा, सिस्टर्नी के साथ जो वेजिकल अटैच होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ऑप्शन ए लाइसोसोम, बी गोल्जी अपरेटस, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और डी हमारे पास है पेरोक्सीसोम। तो सिस्टर्नी वेजिकल के साथ अटैच होता है और वो मिलकर बनाता है गोल्जी अपरेटस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका काम क्या है, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सेल सिक्रीशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, डी में कहा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे कंसर्न करता है, सेल सिक्रीशन से। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इनवेडिंग ऑर्गेनिज्म और एनी अदर फॉरेन ऑब्जेक्ट। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स कोई भी अगर आ जाए उसके खिलाफ, या कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर दाखिल हो जाए कोई छोटा सा, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन का जो है वो काम किसका है, वो काम राइबोसोम का है, लाइसोसोम का है, पेरोक्सीसोम का, या ग्लायोक्सीसोम का है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है, बी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या करता है, ये काम करता है। लिहाजा एस एम सी क्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो बी लाइसोसोम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम आर ऑल्सो नोन एज। डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम जो होता है उसे मिलकर हम क्या नाम देते हैं, ऑप्शन ए पेरोक्सीसोम, ऑप्शन बी ग्लायोक्सीसोम, ऑप्शन सी सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड ऑप्शन डी फेगोसाइट्स। तो याद रखिएगा उसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसमें डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम दोनों को कंबाइन हम सेकेंडरी लाइसोसोम का हम नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल। वो ऑर्गेनेल जो सेल की ईटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, ए पॉलीसोम, लाइसोसोम, सी ग्लायोक्सीसोम, और डी हमारे पास है पेरोक्सीसोम। तो वो ऑर्गेनेल जो सेल की ईटिंग प्रोसेस में इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या करते हैं, काम करते हैं। हाइड्रोलाइटिक का वर्ड निकला है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके किसी चीज़ को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो लाइसोसोम के पास जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर डाइजेशन में क्या करते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो लिहाजा हमने इसमें कहा द ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन ईटिंग प्रोसेस ऑफ अ सेल, सेल की ईटिंग प्रोसेस यानी सेल की इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के अंदर कौन सा ऑर्गेनेल इस्तेमाल होता है, तो आपका आंसर होगा बी लाइसोसोम। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टर्म सेकेंडरी लाइसोसोम।
इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे हम जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं? तभी हमने कहा था डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम। डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम को जो है हम कंबाइंड नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम का। तो यहाँ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, नहीं डाइजेस्टिव वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल नहीं, ये दोनों नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए? डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या होना चाहिए? यहाँ गलती से डाइजेस्टिव है, आगे वैक्यूल नहीं लिखा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? डाइजेस्टिव वैक्यूल और डाइजेस्टिव वैक्यूल और ऑटोफेगोसोम दोनों को कंबाइन हम नाम देते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम का। तो यहाँ जाकर हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। लेक्चर नंबर 3 में आगे इसी से कंटिन्यूएशन में आगे हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, तो उन लेक्चर्स को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।